उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। भारत माता के लौलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे सोशल मीडिया पर बवाल कट गया। राहुल गांधी संसद में कहते नजर आ रहे हैं कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसक हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दिया है और उनको धिक्कारा है। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान बचकाने से उभर नहीं पाया है। उनको ये पता होना चाहिए कि हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। हिंदू जाति या संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है, मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। इसके साथ ही सीएम ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर जो टिप्पणी की है वो सत्य से परे है, भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने वाली है। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं राहुल गांधी के इस वक्तव्य की निंदा करता हूँ। ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है, मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे, भारत की मूल आत्मा को लौहलुहान करने जैसा है। भारत माता के लौहलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर दिए गए विपक्षी नेताओं के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा कि कौन नहीं जानता कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही है। इन्होंने राम जन्मभूमि पर ताला लटकवाया, हिंदुओं को पूजा से वंचित करने का काम किया और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के साथ फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है। अरे इनके राज में तो अयोध्या के पास बहती सरयू नदी के जल को भी रक्त रंजित करने का काम किया गया। साथ ही सीएम बोले कि राहुल गांधी का बयान झूठ का पुलिंदा है। सच्चाई ये है कि अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए वाले मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं, चाहे वे भक्ति पथ हो, रामपथ हो, जनपथ हो और चाहे वो एयरपोर्ट के निर्माण का हो या फिर 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो। वहाँ के एक एक नागरिक को जिसके नाम पर जमीन थी, जिसके नाम पर दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उसको उचित मुआवजा दिया गया। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी उनको जगह दी गई। आगे सीएम बोले कि जो कांग्रेसी नेता बोल रहे हैं वो सब अयोध्या और उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश है। ये भारत की छवि को, अयोध्या की छवि को और दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो ये आजादी के बाद से करते आ रहे हैं। जनता जल्द इनको उचित जवाब देगी। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था और आज जब अयोध्या
अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है। श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं, चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो। एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पजेशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थी, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो ये एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की इन सभी बातों पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।